गाइज कैसे हो आप सभी लोग। आई होप गाइज आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और अपने अपने घर पे सेफ होंगे। और गाइज यहाँ पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट आज क्या बनने वाला है वो बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर चने बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो आज बनने वाला है चना, चने की हमारे मराठी में उसड़ भी बोलते हैं उसे, तो वो बनने वाला है। उसके लिए मैंने क्या किया है, प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, उसके बाद मैंने उसे ऑयल में डाल दिया है, ऑयल में जीरा राई डाला है और उसमें डाल दिया है। उसके बाद मैंने बहुत बारीक चॉप किया है चॉपर से, आप देख ही रहे हो। उसके बाद टोमेटो भी चॉपर से चॉप ही करूँगी क्योंकि यहाँ पर पेस्ट नहीं बना रही हूँ मैं, चॉप कर रही हूँ बहुत बारीक, सफाइन से चॉपिंग करनी है आपको। और यहाँ पर बस उसमें टोमेटो में थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी है, दो हरी मिर्च डाली है और बस उसे भी चॉप कर ले रही हूँ, वो भी फाइन चॉप करना है आपको। और बस यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालने गई, बट लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा एक चम्मच निकला, मेरा अभी काम चल जाएगा, तो इतना लहसुन अदरक का पेस्ट निकला उसमें डाल दिया है मैंने। और बस उसमें बेसिक से मसाले जो होते हैं वो डाल दूँगी। मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पर चना मसाला, सबसे पहले ये जो है मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है इसमें, क्योंकि चना में आमचूर पाउडर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो यहाँ पर वो आमचूर पाउडर डाल दिया है। उसके बाद मैंने चना मसाला ऐड किया है और चना मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, बड़ा एक चम्मच। उसके बाद यहाँ पर टोमेटो भी ऐड कर दिए है, वो जो हरी मिर्च है वो मैंने थोड़ी सी खड़ी थी तो वो मैंने निकाल दी। और उसके बाद मैं उसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक से क्या होता है कि जल्दी से टोमेटो गल जाता है और हमारा मसाला जल्दी से पक जाएगा, तो यहाँ पर वही मसाला बन रहा है। और बस मसाला बन जाने के बाद जो चने होंगे वो मैं उसमें ऐड करूँगी। एक्चुअली यहाँ पर चने पहले ही बॉयल करने के लिए डाल दिए थे, तो चने भी बॉईल हो चुके हैं, तो यहाँ पर बस सीटी निकालनी बाकी थी क्योंकि इनको ड्यूटी जाना था और जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है मुझे सुबह सुबह, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं काम करती हूँ मैं, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना होता है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ जल्दी से और क्या नहीं। तो यहाँ पर बस सीटी निकाल रही हूँ, तब तक तो चने बॉईल भी हो चुके थे वैसे, और सीटी निकाल दूँगी और उसके बाद चने डाल दूँगी उसमें। बस यहाँ पर हो गया है, गिर गया है मेरे हाथों से, थोड़ा सा पानी भी गिर गया है, तो यहाँ पर निकाल दिया है, चने डाल दिया है और थोड़े से चने मैं रख दूँगी अदविक के लिए, क्योंकि अदविक इतना तीखा नहीं खाता है, जैसे कि हम लोग जैसे बनाते हैं ना उतना तीखा नहीं खाता है और माही भी नहीं खाती है, तो मैं जो बचेगा ना बाद में थोड़ा सा बच जाएगा इसमें से जिसमें से हम लोग खाने वाले हैं, तो मैं जो साइड में रख दिया है ना मैंने चने, तो वो मैं उसमें ऐड करूँगी और वो फीका बना दूँगी, इसी वजह से मैंने साइड में चने निकाल के रखे हैं थोड़े से। और बस धनिया पत्ता ऐड कर दिया है, यहाँ पर चाय रख रही हूँ, साइड में चाय चढ़ा दूंगी और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी और हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जब मैं कर रही हूँ ना तो हम दोनों का ब्रेकफास्ट साथ में हो रहा है, नहीं तो ब्रेकफास्ट तो साथ में होता ही नहीं है हमारा। बस इनको कैसा है कि प्लेट हाथ से लो और इस हाथ में चाय दो, तो बस वही इसी वजह से उसी के चक्कर में मेरा ब्रेकफास्ट और इनका ब्रेकफास्ट साथ में नहीं होता है। बस यहाँ पर चाय बना ली है, चाय चढ़ा दी है बनाने के लिए, और आपको तो पता ही है गुड़ की चाय बनाती हूँ मैं, और गुड़ की चाय कैसे बनाती हूँ वो भी आपको पता है। तो यहाँ पर बस माही का क्लास चल रहा था, ऑनलाइन क्लास, और हमारा ब्रेकफास्ट। एक्चुअली माही को भी भूख लगी थी तो माही को भी उसमें से ही ब्रेकफास्ट दे दिया था, बट वो उसने थोड़ा सा ही खाया और बोल रही थी कि तीखा लग रहा है, तो इसी वजह से उसके लिए फिर बाद में मैंने जैसे कि बताया आपको वैसे ही मुझे उसके लिए देना पड़ा बना के, अद्विक के लिए और उसके लिए, फिर उसने ब्रेकफास्ट किया अद्विक के साथ। तो यहाँ पर बस हो गया है, चाय भी बॉईल हो गई है और चाय मुझे अभी बॉईल करते हुए चाय दिख रही है ना, तो मुझे वो एक कमेंट याद आया कि किसी ने बोला था कि आप तो चाय भी बॉईल नहीं करते हो अच्छे से, तो यार इतनी तो अच्छे से चाय बॉईल करती हूँ मैं, आप ही देख लो। तो मतलब उनको कैसे लगा पता नहीं, चाय बॉईल नहीं करती हूँ या कुछ, तो बट चाय बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं, आप लोगों को बता दूँ। बस यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म मसाले वाली चाय रेडी है, आप भी आ जाइए चाय पीने और ब्रेकफास्ट करने, बस यहाँ पर चाय ले लेंगे। और यहाँ पर देखो माही ने अभी तक उसका ब्रेकफास्ट ही ख़त्म नहीं किया है, वो साइड में रख देगी, उसके बाद मैं उसको बना दूँगी अच्छे से। तो ये ड्यूटी जाने वाले थे यहाँ पर, रेडी हो गया है। एक्चुअली आज
आप लोग सोच रहे होंगे यूनिफॉर्म नहीं पहना है, बट उनको पता नहीं यूनिफॉर्म में नहीं जाना था आज, ऐसे ही जाना था सिविल ड्रेस में। और यहाँ पर मेरे अदरक भी सुखाने के लिए मैंने रख दिया है, जो मैंने चिप्स बना के रखे थे ना, महीने चिप्स बना के रखे थे अदरक के, तो वो भी सुखाने के लिए रखे हैं चाय मसाला बनाने के लिए। और चाय मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, पिछली बार भी शेयर की थी बट वो मराठी चैनल पर शेयर की थी, अभी इस बार इस चैनल पर शेयर करूँगी। हे गाइस, आज मैं आपके साथ ये दो प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। ये है मामाअर्थ का नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे, और उसके बाद ये है मामाअर्थ का 100% नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट पैचेस। ये दोनों प्रोडक्ट आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून में बहुत ज्यादा मॉस्किटो हो जाता है और वो काटता है, उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया और भी बहुत सारे बीमारियां हो जाती है। तो इसके लिए ही हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और प्रिपेयर रहने के लिए हमें क्या करना है, इसको अपने बच्चों के ऊपर स्प्रे करना है, बस अपने बच्चों के कपड़ों पे स्प्रे करना है और इसे आपके बच्चों के हाथों पे लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे जैसे स्टिकर्स लगाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो यहाँ पर लगा देना है। उससे क्या होगा कि आपके बच्चों के पास मस्किटो नहीं भटकेंगे और उनको वो काटेंगे नहीं और उनसे वो सेव हो जाएंगे, और मस्किटो के काटने से जो भी बीमारियां होती है उनसे भी वो बचेंगे। तो और इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स है अभी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। मस्किटो तो हर टाइम होते हैं बट इस टाइम तो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है आने के लिए। स्प्रे में है सिट्रोनिला एंड लेमन ग्रास ऑयल, और आप सभी को पता है कि मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल उसमें एडेड नहीं होते हैं और सारे बच्चों के लिए सेफ होंगे, क्योंकि बच्चों के लिए ही बने होते हैं ये जो प्रोडक्ट है, स्पेशली बच्चों के लिए है। और ये जो प्रोडक्ट है वो है 3 मंथ्स प्लस के बच्चों के लिए, और ये जो प्रोडक्ट है 0 से 10 ईयर्स तक के बच्चों के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा सेफ है आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। इस स्प्रे को यूज करने से पहले बस इस तरह से शेक करना है आपको, और आपके बच्चों के कपड़ों के ऊपर स्प्रे कर देना है। उसके बाद आपको इसे यूज करना है तो आपके बच्चों के हाथों पे आप इसे यूज कर सकते हो, और इसमें आपको इस तरह से पैचेस मिल जाते हैं, जैसे कि आप देखो ग्रीन स्नेक निकाला हुआ है इस पे। अगर आप ये बच्चों के हाथों पे लगा देते हो तो उनको वो स्टिकर टाइप का फील आएगा, और जैसे कि वो बबल गम में मिलते हैं और उस टाइप के स्टिकर है, तो ये बच्चे रखेंगे भी अपने हाथों पे और काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी होंगे और अच्छा सा फील होगा उन्हें, और मस्किटो से भी बचेंगे। और गाइज, इस एक पैक में आपको 24 पैचेस मिल जाते हैं, और ये वाटरप्रूफ है, 12 आवर प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि एक बार आपने लगा दिया तो 12 आवर्स तक आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसका असर 12 आवर्स तक रहेगा, और ये डीट फ्री है। और गाइज, मामाअर्थ जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है, तो आपको इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए वोकल फॉर लोकल, और इसको अगर परचेस करना है आपको तो आप अगर मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करते हो इसे, तो आप मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, Kanchan2021, उससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा इन दोनों प्रोडक्ट्स पे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जो प्रोडक्ट्स है वो इजीली अवेलेबल है Amazon, फर्स्ट क्राई एंड मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट पे। तो गाइस, प्रोडक्ट परचेस करना है तो लिंक आपको लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है संडे और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं 11 और आज बनने वाला है नॉनवेज, जैसे कि आपको पता ही है हमेशा का संडे के दिन नॉनवेज बनता है, और आज इन्होंने मटन लाया है तो यही बनाएंगे, मैं तो नहीं बनाऊंगी, आपको तो पता ही है मैं मटन नहीं खाती हूँ, मैं चिकन खाती हूँ, तो मेरे लिए भी चिकन लाया है उन्होंने, मैं तो अपने लिए ऐसी सादी वाली सब्जी बना लूंगी और ये अपने लिए मटन बनाएंगे। और हाँ, यहाँ पर देखो ये जो ग्लास है वो न्यू सेट पड़ा था यार ऊपर, ऐसे ही हम लोगों ने ऐसे कोठी में रख दिया था ये, और अभी ये ऊपर गए तो ये दिख गया उन्हें, तो अब लेके आए हैं और मैं वॉश करके मैंने यहाँ पर रख दिया है। कैसा लग रहा है ये ग्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि काफी दिन मतलब माही छोटी थी उस टाइम लिए थी ये वाली ग्लास, ऐसे कैसे नए के नए पड़े थे, बट अभी ये बोल रहा है कि यूज करने के लिए निकाल लो, बहुत सारे ग्लास है पहले से ही बट अभी ये बोल रहा है तो यूज करने के लिए निकाल लेते हैं। तो चलिए, और आज भी इन्होंने भुट्टे बहुत सारे लाए थे, देखो इसमें से हम लोगों ने अभी भून के खाया है काफी सारे, और यार ये धनिया पत्ता खराब हो गया है धोने की वजह से, मैंने फ्रिज में रखा था ना भर के, आपको तो बताया था कि मैंने फ्रिज में रखा है भर के, बट वो निकालना पड़ा बाहर क्योंकि अच्छे से सूखता नहीं है ना, वो ड्राई नहीं होता है ना, तो फिर अगर फ्रिज में रखते हैं तो खराब हो जाता है जल्दी से, खराब भी हो गया है, इतना महंगा नहीं है आजकल तो इसी वजह से कुछ नहीं लग रहा है, बट महंगा होता तो कितना ये लगता, बुरा लगता। और आज इन्होंने लहसुन भी लाया है बहुत सारा, तो देखो अभी आज लहसुन का पेस्ट भी बनाना है मुझे, चलो बहुत सारे काम है आज। एक काम तो मेरा वो हो गया, मतलब डिवाइड हो गया, बट बाकी के सारे काम है, तो चलिए कामों में लग जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए बारिश हो रही थी, और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त वाली बारिश, मज़ा आ रहा था बारिश में,
और इतनी तेज तेज बारिश हुई, ये तो कुछ भी नहीं है अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं जैसे ही अंदर गई उतनी तेज बारिश हो गई कि तब मैंने शूट नहीं किया। मैंने सोचा चलो ये डेली का ये, बट आपको मौसम देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसी वजह से मैं शूट कर लेती हूँ। और बच्चों को भी मज़ा आ जाता है मौसम देखने से, तो ऐसे बारिश होती है ना तो बच्चों को बारिश में भीगने का बहुत मज़ा आता है। और अभी देखो अद्विक और माही बारिश में भीगेंगे भी, माही तो भी ज़्यादा नहीं भीगेंगी, बट अद्विक ने तो पूरे कपड़े गीले कर दिए थे बारिश में, उसको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है बारिश में भीगने का। और अभी ज़्यादा नहीं है बारिश तो इसी वजह से बाहर भी निकलो तो कुछ भी नहीं लग रहा है, बट जब बढ़ गई थी ना तो वो बाहर के चला गया था अद्विक और बस भीगने लग गया था। मुझे भी भीगना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आपको तो पता ही है पिछली बार भीगने से मेरी ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से अभी नहीं भीग रही हूँ बिल्कुल। अभी नहीं सूट हो रहा है, पहले जैसा कुछ भी नहीं होता है, अभी बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा है मुझे कुछ भी, अब पहले जैसा अभी कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ पर माही कर रही है ये सब्जी बना नहीं रही है, मटन गरम कर रही है। एक्चुअली अभी हमें खाना खाना है और अभी बज रहे हैं 9। मैं ना देखो मैं मेरे दिखाने से पहले ही इससे दिखा दिए, आज हम दोनों ने भी इसको मैंने नेल आर्ट करके दिया माही को और कुछ भी ऐसे ही करके दिया, मुझे इतना आता नहीं है नेल आर्ट वगैरह करना। और मैंने नेल पॉलिश लगाई काफी दिनों के बाद लगाई वो भी, और पता है क्या क्या बोलते तो नेल फाइल करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, इतने नेल खराब हो गए थे। ओ देख ये देखो पोल्का डॉट्स वाली करके दी है, प्लाजो मैचिंग है। नेल्स फाइल करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था, आज फाइनली नेल्स फाइल की, उसके बाद मैंने नेल पॉलिश अप्लाई की, आज खुद के लिए टाइम निकाला। और हाँ स्किन देखो कितनी ज्यादा कल से ग्लो कर रही है, आपको अगर नहीं पता है मैंने फेस शेविंग की है यार कल, अगर आपको नहीं पता है तो कल का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने फेस शेविंग दिखाई है और इतनी ज्यादा क्लीन लग रही है, बार बार हाथ लगाने का मन कर रहा है। और माही बोल रही है कि आप फेयर भी लग रहे हो इससे, मतलब थोड़ा सा शेड चेंज हो गया ना माही, तो चिकनी 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 चमेली लग रही हो बोल रही है माही, बहुत फेस क्लीन लग रहा है आप देखो। और इतना ऐसे डेड स्किन निकल गई है ना तो उसकी वजह से फेयरनेस भी लग रही है मेरे स्किन पे, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगी फेस शेविंग, मतलब पहला एक्सपीरियंस था मेरा बट बहुत ज्यादा अच्छा रहा। और ये तो आईब्रो वाला भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा था। तो हाँ और हाँ मैं क्या बोल रही थी आपको कि मैं अभी 4-5 दिनों से क्या हो रहा है कि जल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ खाना खाने की, मतलब 8 बजे से पहले हम लोग खाना खा रहे हैं, बट आज थोड़ा लेट हो गया, मतलब अभी 9 बज रहे हैं। क्या हो गया आपको, क्या आना है? नीचे दिन भर अभी घूम रहा है इसकी वजह से, दिन भर घर में घूम रहा है, पूरे दिन भर यही कर रहा है, यही कर रहा है पूरे दिन भर इधर से उधर। हाँ पूरे दिन भर यही चला रहा है अब, और पूरे घर में घूम रहा है। हाँ पापा ने लेके आए थे ऑर्डर, जल्दी नहीं हो रहा था, फिर मैं रो रहा था, फिर पापा ने बाहर से ऑर्डर लेके आ गए, बाहर से ऑर्डर नहीं बाहर से लेके आ गए मार्केट से। तो वो पार्सल वाले अंकल आ नहीं रहे थे ना इसी वजह से। क्या आपने ऑर्डर किया ही नहीं था? किया था मैंने ऑर्डर वो जल्दी नहीं आ रहा था। हाँ इसी वजह से पापा लेके आए ना मार्केट से। हाँ वैसे रहता है इसका तो हमेशा का ही है ये। उसकी वॉच ऑर्डर की,
हाँ हाँ आपके लिए अच्छा नहीं है, माई दीदी के लिए अच्छा है ना। बहुत चालाक हो आप अधिक। अभी अभी बोल रहे माई दीदी के लिए अच्छा है। हाँ चलो जी। और बस सारा मजा खराब कर दिया बोल रहा है। तो मतलब वो पलट गया ना, सारा मजा खराब कर दिया बोल रहा है। और आज तो खाना बनाना नहीं है रात को, क्योंकि सुबह ही इतना ज्यादा बना लिया था, तो इसी वजह से वही गरम करना चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ, उठाने के लिए हेल्प करूंगी मैं, क्योंकि गर्म है ना वो। तो चलिए अभी, मतलब मेरा ना मेरे फेस की तरह भी देखने का मन कर रहा है बार बार। कल से हाथ ही लगा रही फेस। मैं तो इतना हाथ लगा रही हूँ बार 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 बार, डेड स्किन पूरी रिमूव हो गई है, और उसके बाद देखो हेयर पूरे रिमूव हो गए हैं। इतनी ज्यादा चिकनी मतलब स्किन लग रही है, एकदम चिकनी चमेली। और आज मम्मा का लिपस्टिक कैसा लग रहा है? मम्मा ने डार्क लगाया है। हाँ, आज मैंने डार्क अप्लाई किया। मैं आज दो दिन से डार्क अप्लाई कर रही हूँ, बट माही को पसंद नहीं आ रहा था पहले। मतलब कल का तो माही को इतना पसंद नहीं आया। मम्मा वो पहली बार लगाया ना काफी दिनों के बाद, तो बोल रही है मम्मा आज आपने डार्क लिपस्टिक अप्लाई की, तो बोल रही है आपको न्यूड में देखने की आदत है ना, तो इसी वजह से डार्क लिपस्टिक आप पे अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने फिर कल तो पूरी दिन ऐसे ही रहने दिया, आज भी फिर डार्क लिपस्टिक अप्लाई की, तो बोल रही है अभी आदत हो गई है आपको देखने की डार्क लिपस्टिक में। तो ये क्या चल रहा है माही? अच्छा तो चलिए गाइस अभी खाना खा लेते हैं और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये क्या मक्खियाँ घूमती रहती है आजकल। और आज तो इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई कि आपको क्या ही बताऊँ। मतलब कितना आवाज तेज तेज आ रहा था। एक दिन ऐसी बारिश हुई थी पिछली बार, मैंने आपको दिखाई थी उस टाइम। क्या? हाँ मैंने दिखाया, पहले ही दिखाया, नेल आर्ट मेरी कलाकारी पहले दिखाती हूँ मैं ये सारी चीजें। चलिए गाइस खाना खा लेती हूँ। किचन क्लीन हो गया है, डिनर हो गया है, और मैं सोच रही हूँ अभी इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। गाइज मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। छोटा सा ब्लॉग नहीं, बड़ा सा ब्लॉग। ये बोलना बाकी था। और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। सब्सक्राइब करो मगले। और मेरी में कटिंग हुई थी। ये यार कब के कब याद दिलाता है। और लाइक करने के लिए बोलो। लाइक कर दो, घंटी को भी दबा दो, फोड़ दो फोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो फोड़ दो तो। और हाँ गाइज, इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और यही तोड़ फोड़ कर देना वहां पे भी। तो और हाँ, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा का लिंक और चैनल का लिंक दोनों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्या है? अच्छा, जिस दिन हम लोग हेयर वॉश करते हैं उस दिन हमारा बार 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 टच करने का मन करता है बालों को। तो चले फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना। अरे वाह 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 द्वीप।